हेलो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज फिर से हम लौट गए वापसी हमारी कमर्शियल ज्योग्राफी पर, और आज हम पढ़ेंगे HID, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सो इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज़ ये बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ समरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। इट इम्प्लाइज वेदर अ कंट्री इज डेवलप्ड और स्टिल डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट बाय चेकिंग द फैक्टर्स सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी इस पर बेसिकली ये लिखी हुई है, लिटरेसी, एजुकेशन एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक दैट इज़ GDP। अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि GDP क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ही है। ग्रोस डोमेस्टिक पर कैपिटा क्या होता है, मैं ये आपको बताता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि GDP दैट इज़ ओवरऑल कितनी प्रोडक्शन हुई कंपनी में। ठीक है, दैट इज़ अबाउट GDP। लेकिन अब हम देखेंगे कि पर इंस्टीट्यूशन या पर सेक्टर कितनी प्रोडक्शन हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझें कि चार पांच छह घर हैं। ठीक है, एक कंट्री के अंदर छह घर हैं। ठीक है, अब कंट्री की पूरी ओवरऑल जो कि है GDP 1000 है। ठीक है, 1000 यूनिट्स मतलब 1000 समझें कि 1000 वैल्यूएशन ऑफ गुड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब दूसरा मुल्क इसकी तरह जगह पे जहाँ पे जो है कि जहाँ पे चार घर हैं। ठीक है, उस मुल्क में समझ लें, अज्यूम कर लें कि चार घर हैं टोटल। अब चार घर मिलाकर उनकी जो GDP है वो 900 प्रोडक्शन या 900 की वैल्यू में कुछ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है यही कहेंगे ना कि जो थाउजेंड जिसकी GDP है वो सबसे बेस्ट कंट्री है, उसकी बेस्ट इकोनॉमी होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये GDP ये नहीं बताती कि वो कंट्री रिच है या पुअर है। क्या पता वो पूरी जो 1000 GDP प्रोड्यूस हो रही हो वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट उनका या एक ही घर जो कि प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन बाकी जो घर हैं वो तो जाहिर सी बात है पुअर ही होंगे, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम ये कहते हैं कि पर कैपिटा यानी कि पर इंस्टीट्यूट पर सेक्टर कितनी पर सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का करंटली जो GDP पर कैपिटा है वो आई थिंक $1500 है। ठीक है, ये डॉलर अमाउंट में होता है। ठीक है, अब जिसका GDP पर कैपिटा मुल्क का देखते हैं, अगर जिसको जिस मुल्क का GDP पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है उसको हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री है। जिसका GDP पर कैपिटा कम होता है उसको हम कहते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, सो GDP पर कैपिटा देखा जाता है। तो इसी चीज़ें हम देख कर हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द मुल्क इज डेवलपिंग और स्टिल डेवलप्ड और स्टिल डेवलपिंग और इट इज़ इन दी अंडर डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तमाम चीज़ें जो कि नोट कर रहा होता है, और इसके हिसाब से जो है मुल्कों की रैंकिंग होती है, रैंकिंग। ठीक है, नॉट रैगिंग, इट इज़ रैंकिंग। इसके इस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है, और इस हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कौन सी इकोनॉमी पुअर है और कौन सी इकोनॉमी रिच है। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और ये ज़्यादातर कौन कर रहा होता है, प्रोवाइडेड एनुअली बाय द UN डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड UN डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट दैट इज पी फॉर प्रोडक्शन आई थिंक। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें देखी होती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितनी लाइफ स्पेन है। ठीक है, कितने लोग जो है कितनी हद तक जिंदा रहते हैं, कितना माहौल अच्छा है, पॉपुलेटेड है या नहीं है, पॉल्यूटेड है या नहीं है। ठीक है, लिटरेट हैं लोग नहीं है, एजुकेटेड है नहीं है। और पाकिस्तान में लिटरेसी का तो ये हाल है कि जिसको साइन करना आती है, सिर्फ अगर एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता सिर्फ साइन करना आती है सो ही इज लिटरेट। ठीक है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन इलिटरेट है जिन्हें साइन करना तक नहीं आती। सो दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।